राजस्थान में जालोर जिले के भीनमाल में एक ऐसे महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है जो चर्चाओं में है, जिसका इतिहास नागभट्ट प्रथम से लेकर अफगान लुटेरे महमूद गजनी से जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भीनमाल के नीलकंठ महादेव मंदिर की। करीब 1400 साल बाद अब राव प्रेम सिंह ने ही इस नीलकंठ महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। कारोबारी और समाज सेवी प्रेम सिंह जालोर भीनमाल के ही रहने वाले हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा जोधपुर और दिल्ली से हासिल की। इस मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में उन्होंने 1,11,00,000 रुपए जोशी मठ को देने का ऐलान किया, तो वहीं 500 बच्चियों की पढ़ाई का जिम्मा भी अपने ऊपर लिया। इसके अलावा 50,000 रुद्राक्ष के पौधे जालोर और भीनमाल इलाकों में लोगों को मुफ्त में बांटे हैं। प्रेम सिंह जी मुफ्त सिंह जी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार हुआ है। 27 जनवरी 2023 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और अभी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आजू बाजू के गांवों के लोगों की बहुत ही भीड़ लगती थी, आने जाने का तादा लगा रहता है और रात्रि कालीन के अंदर चार पहर की चार पूजा और चार आरती होती है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त लोग यहाँ पे आनंद लेते और भक्ति में डूब जाते हैं। क्यों, चार पौर की चार पूजा होती है, चार आरती होती है। पहली आरती पूजा होती है 7 बजे, दूसरी होती है 10 बजे और तीसरी आरती होती है रात को 12 बजे। उस समय भगवान शिव को कुमकुम चढ़ता, 12 महीने में एक ही दिन आता है कुमकुम चढ़ने का महाशिवरात्रि के पर, वो भी रात्रि को 12 बजे चढ़ता है। और चौथी आरती व पूजा ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 और 4 बजे के बीच में होती है और बहुत लोगों का आना जाना भी रहता है। बहुत ऐतिहासिक पुराना मंदिर है, भव्य मंदिर है और सबसे बड़ी विशेषता की लिंग है वो नीलम का शिवलिंग है। यहाँ पे नाग देवता का पूरा परिवार रहता है, नाग नागिन बच्चों के सहित आते जाते रहते हैं। कई बार हमारे हाथ में भी आए लेकिन कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, प्रार्थना करने पर वो अपने आप अपने स्थान पे चले जाते हैं। राजस्थान में जालोर के भीनमाल में स्थित इस नीलकंठ महादेव मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। नागभट्ट प्रथम ने इसकी शिला रखी थी। बताया जाता है कि 730 ईस्वी में राजा शाह जुनेद ने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। नागभट्ट प्रथम ने उसे वापस खदेड़ा। अफगान आक्रांता को भारत की सीमाओं से बाहर भगाने के लिए नागभट्ट उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुए। इसी दौरान वो भीनमाल नामक जगह पर रुके। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल हुआ करता था। यहाँ नागभट्ट को भगवान शिव का सपना आया और उसे वहीं रुकने को कहा, जिसके बाद नागभट्ट ने इसी जगह पर नीलकंठ महादेव मंदिर की स्थापना की। जालोर से सोनाली भाटी की रिपोर्ट।